बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत वैल्यूएबल बात। रीज़न बिहाइंड हम लोग रोना रोते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रीज़न बिहाइंड आई यूज़ दिस वर्ड कि हम लिटरली रोना रोते हैं कि जी हमारे मुल्क में नौकरियां नहीं हैं, हमारे मुल्क में गुर्बत की जो है जो रेशो है वो बहुत एक्सट्रीम है। बट बहुत इंटरेस्टिंग और जो मेरे खुद के साथ एक बात जो मैंने फील की और जो मैंने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मेरे साथ खुद की बीती हुई मैं आपसे बयान करती हूँ। नौकरी करने की इजाज़त नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सोचने समझने वाला सब्जेक्ट है। मुझे एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ मैं एसोसिएट रहूँ कुछ टाइम के साथ और उनका होता है कि जी वो हमारे जैसा हमारा बींग पाकिस्तानी हम लोग थोड़े से ओवर इमोशनल भी हैं कि हमें लगता है कि हम किसी को अगर उसका उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको बैठे बिठाए दे रहे हैं तो हम कोई बहुत, जैसा मैंने एक पहले एक वीडियो की थी कि चैरिटी इज़ द राइट वे टू इम्प्रूव इकोनॉमी, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि हम कहाँ क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या हम वाकई उसी डिज़र्विंग पर्सन को ही सब कुछ दे रहे हैं। एक दोस्त के साथ, यानी कि जो हमारा एक ग्रुप होता है जो उसका मैं उस एनजीओ का या उस जो हमारे हैं उनके प्रॉपर नाम नहीं लेती, मे बी किसी को ऑब्जेक्शन ना, बट जस्ट एक सेक ऑफ वो कहना चाहिए ना कवर द सिचुएशन। बट कुछ ग्रुप का एक हुआ इत्तेफाक हुआ एक बस्ती में जाने का। उस बस्ती में जाने का पर्पज़ ये था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, वो गरीब की जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनको कोई जिनकी लाइक कोई उनको सोचने के या उनको कोई उनका पूछने वाला नहीं है। तो कुछ दोस्तों ने सोचा कि चलो क्यों ना वहां पे राशन दिया जाए, राशन बिस्तर जूते और कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉपर राशन में आती हैं, कपड़े जरूरी सामान लिया और एक टीम वहां पे चली गई। टीम जब वहां पहुंची तो वहां पे कच्चे मकान और झोंपड़ियां थी, झुग्गियों पे या कच्चे मकानों पर मुश्तमिल तकरीबन एक बस्ती थी और उस बस्ती में तकरीबन 100 के करीब लोग मौजूद थे और जो मर्द हजरात थे वो चारपाइयों पर बैठे सिगरेट पीने में और खुशगपियों में मसरूफ थे। औरतें और नौजवान बच्चियां इधर उधर बैठी थी और सब चिट चैट कर रहे थे, हालात से बेहबर और दुनिया से बेहबर कहना चाहिए वहां पे माहौल चल रहा था। जब हमारी वैगन वहां पहुंची तो उन वैगनों को देख के वो लोग सामान पर ऐसे झपटे कि जैसे उन्होंने कभी कोई ये चीज़ नहीं देखी। मैं ये नहीं कहती कि उनका बिहेवियर गलत था, बट सोचने की बात यह है जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनके मसाइल परमानेंट तौर पे हल किए जाए, क्योंकि देखें राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का भी हमारा स्पेसिफिक होता है कि हम लोग रमज़ान में या कुछ स्पेसिफिक इस्लामिक मंथ्स में हम लोग फोकस कर रहे होते हैं। तो ये आइडिया आते ही हमारे एक दोस्त ने हिम्मत की और गाड़ी के ऊपर खड़े होकर पूछा कि आप में से मैं आप लोग कितने विलिंग हैं काम करने के लिए, मेरे पास आप लोगों की प्रॉब्लम का एक परमानेंट सलूशन है और वो सलूशन ये है कि आप लोग खुद काम करें, आप लोगों की गुर्बत खत्म हो सकती है, आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे और आप मेहनत करके अपनी मेहनत से अपनी एफर्ट से अपनी अपने बच्चों की लाइफ बेहतर बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे उन टीम मेंबर का ये बात करने का पर्पस यह था कि वहाँ पे हर घर के तकरीबन चार चार पाँच पाँच छः छः बच्चे फीमेल और सेम लाइक चार चार पाँच पाँच मेल, यानी कि 10 से 12 बच्चे एवरेज हर घर के बच्चे थे। तो सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को इन बच्चियों को काम पे लगवाया जाए और ये लोग अपनी बस्ती के लिए खुद एक बाइस रहमत साबित हो, क्योंकि एक हमारी ऑब्जर्वेशन आती है कि देखा जाए तो अगर हमारे घरों में हर घर में मोस्ट प्रॉब्ली बुजुर्ग मौजूद होते हैं और उन बुजुर्गों के पास मेट या केयर टेकर हम कह लें, तो अगर इन बच्चों को भी हम प्रमोट करें तो ये काम अगर करना चाहें तो, आई यूज दिस वर्ड करना चाहें तो, क्योंकि रीजन बिहाइंड कि जो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आगे मिला था मैं उसके बिहाफ पे बात कर रही हूँ। तो मुल्क में एक तो गुर्बत खत्म हो जाएगी, दूसरा ये नौजवान लड़के लड़कियां कोई गलत एक्टिविटी में नहीं पड़ेंगे
और तीसरा ये कि ऑफकोर्स जिस घर में ये जाएंगे वहां से तौर तरीका सीखेंगे, और प्लस वहां से कुछ ऑफकोर्स कुछ अच्छी फैमिलीज ये भी करती हैं कि बच्चों को पढ़ा भी देती हैं। बट जब उन बच्चों को ये कहा गया कि आप लोग काम करें, उनके माँ बाप को ये कहा गया कि क्या आप लोग इनको काम पे भेजेंगे, क्या आपकी औरतें, आपकी बच्चियां, आपके बच्चे काम करेंगे, क्योंकि किसी घर को ड्राइवर की तलाश है, किसी को मेड, किसी को मासी की तलाश है। और जाहिर बात है कि ये अगर इनको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए कोई बुरी बात होगी। सामान बांटने से पहले जब हम लोगों ने ये तकरीर की और उनको नौकरी का बताया, उसकी वैल्यू बताई कि औरतें, आपकी बच्चियां उस घर में महफूज होंगी, आप लोग ड्राइविंग का काम कर सकती हैं, तो आगे से जो जवाब आया उन लोगों ने बहुत इनोसेंट वे से कहा कि हमें नौकरी की इजाजत नहीं है। यहां पे मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगी जो मैंने बताया कि 100 के करीब जो बस्ती थी जहां पे झुग्गियां थी, कच्चे मकान थे, उसमें तकरीबन 1000 के करीब लोग मौजूद थे, और किसी एक मर्द को भी, किसी एक लड़के को भी हम लोग तैयार ना कर सके नौकरी करने पर, क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू डू एनी वर्क। रीजन बिहाइंड उनका बहुत मजे का आंसर था कि साहब जब हमें सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाता है, जब शेल्टर होम खुल चुके हैं, जब हमारे ऐसे हमें घर बैठे बगैर किसी एफर्ट के हमें सामान मिल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें। वन पॉइंट। दूसरा जो बहुत एक और इंटरेस्टिंग बात आई कि जो सारे हम बैठ के सिगरेट नोश फरमा रहे हैं, उन्होंने बहुत मजे से कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। औरतों और बच्चों का जवाब था कि हमारे खानदान में बाहर नौकरी या काम करने की इजाजत नहीं है, और नौजवान लड़के कह रहे थे कि हम घरों के लिए पानी भर के लाते हैं, इसलिए अगर हम घर पर नहीं होंगे तो ये पानी कौन भर के लाएगा। ये सब बाजारी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, सब फारिग हैं, शहर जाते हैं, घूमते हैं, इमदाद लेते हैं। कम टू द पॉइंट, ये सारे फारिग हैं, शहर जाते हैं और घूमते घुमाते हैं। पीछे मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया, एक खातून आई, उन्होंने कहा कि जी किसी के घर में वो खतून आई, और वो खतून जो पर्सन लेके आए उन्होंने नहीं बताया कि ये बेगर हैं, और जब उन खतून का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो भीख मांग के अपनी जरूरत पूरी कर लेती हूँ। दिस इज द सेम केस कि ये लोग गुर्बत बर्दाश्त कर लेते हैं, ये लोग मांगना बर्दाश्त कर लेंगे, ये लोग हाथ फैलाना बर्दाश्त कर लेंगे, बट मेहनत करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों को मुफ्त खाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि सड़क पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों से मांगेंगे, और फिर पेशावर जो हम कहते हैं भिखारी बन जाते हैं। हम अपने सोसाइटी में देखें तो बेगर जो तबका है ये इंक्रीज हो रहा है बजाय डिक्रीज होने के। लोगों को मांगने की आदत परमानेंट पड़ती जा रही है, क्योंकि उनको फील होता है कि मांगने में तो कोई बुराई नहीं है, मेहनत करके इतनी देर में हम मेहनत करें, हम 8-10 घंटे लगाएं, फिर हमें महीने के बाद इनकम मिलेगी, या डेली वेजेस पे भी हो तो हमें एट द एंड ऑफ डे मिलेगी, तो क्यों ना हम मांग के गुजारा करें। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत ही सफेद पोश जरूरतमंद लोग वो मौजूद हैं जो कहीं पे किसी जगह ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट हैं, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, वो अपनी ज़रूरत का किसी को एहसास नहीं दिला सकते। क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्या सही हकदार को उसका हिस्सा देते हैं? जो हम राशन भिजवाते हैं, जो हम ढेर सारी पिक्चर्स खिंचवाते हैं, क्या वो सिर्फ दिखावे की गेम है? क्या हम एक दिखावा नहीं कर रहे? अब आप ये देखें कि अगर ये बच्चे नौकरी पे लग जाए तो इनका मुस्तकबिल सवर जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स ये ज़रूरत उनको है ही नहीं, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, मांग के उनका गुजारा वो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। और ये ट्रेंड हम लोगों ने पैदा किया क्योंकि हम लोग उनको बैठे बिठाए सामान पहुंचाते हैं, हम उसको हकदार को नहीं देते कि जो सही मानों में हकदार है, जो सही मानों में सफ़ेद पोश है। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हमने कभी देखा कि लोग जो इस तरह आते हैं हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि क्या ये सही बंदा ये बंदी है जिसको हम दे रहे हैं, क्या हम किसी हकदार का हक तो नहीं मार रहे।
यहाँ पे मैं बात करूंगी, अगर हम देखें तो कभी हमारे ऑफिस में, कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कभी हमारे सराउंडिंग में जो सफेद पोश लोग हैं, अगर हम उनको कुछ देना भी चाहें ना, तो वो चीज लेने की बजाय ये सवाल करेंगे कि साहब अगर हो सके तो नौकरी पे लगवा दें, क्योंकि उनको पता है कि मांगने से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी हर्ट होती है। असल में बात ये आती है कि हमने ये एहसास क्या पूरी कौम में पैदा कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये सब करना हमारे लिए बहुत अहम है, तभी हम नया पाकिस्तान और तब्दीली की बात कर सकेंगे। दूसरा एक और चीज देखें कि अगर एक घर में अगर हम मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलीट क्लास अगेन, कि जिनमें वहां पे भी एक अब्बा जी कमा रहे होते हैं और बाकी सब spoon.com चल रहा होता है। पॉइंट क्या आता है कि मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास में भी बाप, भाई, बहन, बेटा, बेटी, बीवी सब लोग कमाते हैं तो फैमिली सर्कल चलता है। लेकिन हम लोग जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि जब आप लोग तो आप जॉब करते हैं और आपको लगता है कि आपने वक्ती तौर पर एक दुआ लेने के लिए क्या कि उस बंदे को आप सिर्फ उसको कह देते हैं कि अच्छा जी चलो ठीक है, उसको आपने राशन दे दिया, उसको आपने पैसे दे दिए जो एक जो सिग्नल पे खड़ा होते हैं, और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी नेकी कर दी। आपने बहुत बड़ी नेकी नहीं, बल्कि आपने जुल्म किया है अपने ऊपर, अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे, क्योंकि इस तरह हम बहुत सारे मांगने वाला तबके को बढ़ा रहे हैं। और जब हम ये काम करेंगे तो हमें सराउंडिंग में एक दिन आएगा कि हमें कोई नहीं समझ आएगा कि हमने किसको देना है किसको नहीं देना, और हम सही जो हकदार है, जो घरों में काम करते थे तबका, एक पहले प्रॉपर फैमिलीज होती थी, इसी तरह बहुत सारा ऐसा तबका होगा कि जो हमें लूट लाट के चला जाएगा, और हमें तब समझ आएगी जब हमारे हाथ से सब कुछ छोड़ा मौका हो। तो जरा सोचें इस बात पे कि क्या हम हकदार को हक दे रहे हैं, क्या हम सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहे, क्या हमें सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का शौक तो नहीं है, क्या हम असल में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमने अपने मुल्क से गुर्बत कैसे खत्म करनी है, हमने अपने मुल्क को कैसे एक अच्छा रिसोर्स देना है। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा एक फैक्टर भी आता है कि हम कहते हैं कि जी वो यार एचआर प्रोफेशनल, बट हमारे एचआर प्रोफेशनल्स का भी काम है कि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। हमारा काम सिर्फ यही नहीं कि हम हायरिंग एंड फायरिंग पे फोकस करके और एक ऑर्गेनाइजेशन में रोब जमा के बैठे कि जी हमने तो बड़े काम कर दिए, असल काम हमारा ये भी है कि हम सोसाइटी को कितना किस हद तक बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।